खबर है खुरई से, जहां बैंकों में उपभोक्ताओं ने कहीं बनाई रखी सोशल डिस्टेंस तो कहीं किया नजरअंदाज। जहां भारत ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बचने लॉकडाउन रखे हुए है एवं लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ बंद हैं। मध्य प्रदेश की खुरई तहसील में वृद्धावस्था पेंशन राशि एवं सरकार द्वारा जनधन खातों में भेजी गई सहायता राशि लेने के लिए वृद्ध इस चिलचिलाती धूप में बैंकों एवं क्यूएक्स सेंटर के सामने बैठे नजर आ रहे हैं, जो सुबह से भूखे प्यासे अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बैंक प्रबंधन इसको सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में उपभोक्ताओं को राहत राशि प्राप्त करने के लिए चिलचिलाती धूप में अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। बैंक प्रबंधन ने सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए गोले बनाए एवं पर्याप्त दूरी में उपभोक्ता बैंक के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। बैंक में प्रवेश करते समय प्रबंधन ने हैंड वॉश करने की व्यवस्था भी नजर आई ताकि कोरोना रूपी भयानक संक्रमण से बच सके। कौन से जो प्रधानमंत्री ने भेजी जनधन? हाँ, मैं कब से खड़ी हुई यहाँ पर? हम 11:30 बजे 11:30 बजे से। हाँ। क्या बोल रहे हैं? नंबर था ही, जब नंबर आए जब दिए हैं। कौन सा नंबर है तुम्हारा? 40 है। 40। हाँ। कहाँ से हो? है? कौन से गांव से हो? हम कबीर बार से तय से खुराई। क्या नाम है? बेटी भाई। सर, ये आपके देखा हम लोगों ने, आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, आपने क्या निर्देश दिए हैं अपने गार्ड को? देखिए, क्या है, शासन ने जो पहले व्यवस्थाएं निर्धारित करी है वही व्यवस्थाओं को हम लोग लागू कर रहे हैं। डिस्टेंस मेंटेन करना है 1 मीटर का, प्लस हाथ को सैनिटाइज करना है, मास्क पहनवाना है आदमियों से, एक एक करके अंदर लेना है। यहाँ पे भी प्रमाइसिस के अंदर भी प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन करना है और उनको कोई तकलीफ ना आए ये भी ध्यान में रखना है। जनता भी तकलीफ में है, वो भी बहुत दूर से आ रहे हैं और प्रशासन का भी काम हमको करना है और देश में इतनी बड़ी तालाबंदी चल रही है, इसको भी सफल बनवाना है। सागर के खुरई से करता सिंह यादव की रिपोर्ट।